से पहुंचे छात्र ने बताया, तिरंगा झंडे को देख सेना के कमांडो नहीं करते थे चेकिंग। छात्र नीरज ने की भारत सरकार की तारीफ, कहा कि रोमानिया की सरकार और लोगों ने बहुत की मदद। यूपी के बांदा जनपद में पहुंचे मेडिकल स्टूडेंट ने बताया कि बस में तिरंगे झंडे की वजह से दोनों देशों की सेना चेकिंग नहीं करती थी। ऑपरेशन गंगा में मोदी सरकार की वजह से हम लोग सुरक्षित वापस अपने देश आ पाए हैं। रोमानिया के लोग और सरकार बहुत अच्छी है, उन्होंने हमारी हर तरीके से मदद की है, बगैर वीजा के बॉर्डर क्रॉस करवाया। यूक्रेन में हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, बस बम मिसाइल के धमाकों के अलावा कुछ नहीं सुनाई देता था। हम सभी मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत घबराए हुए थे, न तो खाने के लिए कुछ बचा था न कुछ, और हम लोगों को यूनिवर्सिटी से बस द्वारा रोमानिया बॉर्डर पर भेजा गया था। अभी भी बहुत से छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मैं इवानो शहर में था, जहां से बॉर्डर लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत वापस लौटने पर जान में जान आई थी, क्योंकि हम लोग बहुत घबराए हुए थे। परिजनों ने बेटे के घर लौटने पर फूल माला से स्वागत किया और कहा कि हमारा बेटा सरकार के प्रयास वापस लौटा है, हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। सरकार इसी तरह सभी बच्चों को सुरक्षित घर वापस लौटाने का कार्य करें। रिपोर्ट शैलेंद्र त्रिपाठी, चित्रकूट धाम, बांदा मंडल प्रभारी, एवीपी भारत न्यूज चैनल। नीरज जी, आपके वतन वापसी हुई है तो किन किन कठिनाइयों से होकर आप आए यहाँ पे, कैसा रहा आपका सफर? बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पैदल चलना पड़ता है और बच्चों का बहुत सारा रश है, तो उसमें लाइन में खड़े होकर लगभग किसी को 12 घंटे, किसी को 24 घंटे, किसी को 1 से 2 दिन का वेट करना पड़ता है लाइन में बॉर्डर क्रॉस करने। कब गए थे आप यूक्रेन? 2018 में। कौन सी पढ़ाई करने गए थे वहाँ पे? MBBS की। वहाँ पे कैसे का हालात है इस समय की? हालात खराब हैं, अभी दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और हम चाहेंगे जल्दी से जल्द ठीक हो जाए वो और ख़त्म हो। संजय जी, ये बताइए कि जैसे कि मिशन गंगा के तहत आपको यहाँ तक लाया गया है, किनका श्रेय देना चाहेंगे आप, क्या कैसे कहा यहाँ पर? थैंक यू फॉर मोदी गवर्नमेंट एंड थैंक यू फॉर यूपी गवर्नमेंट, थैंक यू फॉर इंडियन एयरफोर्स जिन्हें हमें हेल्प की, एंड थैंक यू फॉर इंडियन एम्बेसी, रोमानियन गवर्नमेंट जिसने हमें बहुत हेल्प किया बॉर्डर क्रॉस करने में और वहाँ पर रहने में, क्योंकि हम रोमानिया में लगभग 3 दिन रहे, वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दी। नहीं जी, हमें जैसे कि जानकारी ये हुई है कि जैसे तिरंगा झंडा लगा कर गाड़ियाँ आ रही थी तो क्या आने दिया जाता था, ऐसे कुछ था क्या? हाँ, हम लोग अगर बस में गाड़ियों में झंडा लगा हुआ था तो चेकिंग नहीं हो रही थी, हम लोग को आसानी से आने दिया जा रहा था। वहाँ पे खाने पीने का कैसे का व्यवस्था हो रही थी जैसे कि वार हो रहा था? यूक्रेन में हम लोग रहते हैं तो वहाँ पर हम लोगों ने सामान खरीद कर रख लिया था ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, कि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो, तो हम लोग घर में भी बना पा रहे थे और बाहर अभी थोड़ा नॉर्मल कंडीशन हमारे यहाँ थोड़ा नॉर्मल थी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जी, बताइए जैसे कि वार खत्म हो गए तो क्या फिर आप वहाँ जाएंगे डिग्री हासिल करने? जी जरूर जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी लाइफ के 4 साल दिए हैं और 2 साल हमारा बचा है, तो डिग्री लेने के लिए जरूर जाएंगे अगर नॉर्मल कंडीशन होती है तो।